हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सब्जेक्ट साइंस है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8th एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके हमने कल पॉइंट्स हैं जो रीड किए थे, आज हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये सबसे पहले जो स्टेप है वो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल है, जब कोई भी क्रॉप ग्रो की जाती है फील्ड में। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन वैन दे गो डीप इन टू द सॉइल। सो क्या है कि अगर सबसे पहले है जो सॉइल को लूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल में रूट्स होती हैं क्रॉप्स की, वो इजिली पेनिट्रेट हो जाती हैं और उनको ब्रीथ लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, इजिली ब्रीथ कर जाती है, इसलिए जो सॉइल है उसको लूज किया जाता है। द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। क्या होता है कि जो कई फार्मर जो होते हैं वो अपने फील्ड में अर्थवॉर्म वगैरह को छोड़ देते हैं बीच में माइक्रोब्स को, वो क्या करते हैं, वो भी अर्थ को लूज करने में हेल्प करते हैं, और वो ये फार्मर फ्रेंड्स होते हैं और क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसको लूज कर देते हैं और उसमें ह्यूमस भी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी क्रॉप होती है ग्रो करते हैं हम, उसको ह्यूमस भी प्रॉपर मिल जाता है और सॉइल को, और जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर जाती है। सो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। क्या है कि आप लोगों ने जैसे स्टडी किया हुआ कि जो हमारे सॉइल होती है उसमें वाटर, एयर, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और डेड एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह भी होते हैं, वो क्या होते हैं सॉइल के थ्रू नीचे अर्थ में वो डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होके वो सॉइल को फिर दोबारा से एक न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो इजिली ग्रो कर जाते हैं। सो सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द एयर सॉरी सॉइल इन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो हमारी अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा उसमें ही सबसे ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं। सो वहाँ और वहाँ की जो सॉइल होती है उसको लूजन करना भी बहुत ईजी होता है। सो इतनी जो 1 सेंटीमीटर तक की जो हमारी सॉइल होती है वो ही सबसे सूटेबल होती है अगर हमने कोई भी क्रॉप ग्रो करनी हो तो। उसके लिए क्या है कि वो जो ऊपर की सबसे हमारी टॉप सॉइल होती है वो उसको हम ईजिली लूज़ भी कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारे सिर्फ प्लांट्स को ग्रो करने में और उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी वहीं से ही, उसी फर्स्ट टॉप जो टॉप लेयर होती है वहीं से ही उसको सारे ये न्यूट्रिएंट्स भी गेन हो जाते हैं। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लफिंग, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लफिंग और टीलिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लफ। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लफ्स जिसको हम वो हल कहते हैं, हल, वो ये मोस्टली वुड के बने होते हैं या आयरन के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। अगर हमारी जो अर्थ जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हम पहले वहाँ पे वाटर यूज़ करते हैं कि वो थोड़ा नरम पड़ जाए। सो उसको फिर लूजन करना भी ज़्यादा लूज़ करना थोड़ा सॉइल को ईजी हो जाता है। द प्लव्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। अगर जैसे उनके फील्ड में बहुत ज़्यादा क्लम्प्स पाए जाते हैं तो उनको हम कहते हैं क्रम्प्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। क्या होता है कि जो ये क्रम्स होते हैं इनको तोड़ना भी ज़रूरी होता है, फिर क्या ये उसकी लेवल के लिए, जैसे हमने इरीगेशन करनी है और सोइंग करनी है उनके लिए इनका बहुत ये लेवलिंग का बहुत बेनिफिट होता है। सो लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। फिर क्या होता है, लेवलर के थ्रू जो सॉइल है उसका लेवल बनाया जाता है, अगर उसमें क्रम्स वगैरह होते हैं उनको ब्रेक करके उसका एक प्रॉपर लेवल बनाया जाता है कि जहाँ पर हमारी जो क्रॉप है उसको ग्रो करना ईजी हो। सो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स।
बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. द मेन टूल यूज एज अ पर्पज द प्लफ होए एंड कल्टिवेटर्स. ये हमारे पास नीचे बनाए हुए ये प्लफ है, ये हमारे पास होए है, और ये है कल्टिवेटर मीन्स ट्रैक्टर. ये जो हमारे पास यूज किए जाते हैं अर्थ में जो क्रम्स डले होते हैं उनको तोड़ने के, ब्रेक करने के लिए, कि हमारी जो सॉइल है वो प्रॉपर बन जाए और हम अगर वहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो करेंगे, सीड्स ग्रो करेंगे तो वो इजिली ग्रो हो जाएं. ये हमारे पास टूल्स हैं जिनके थ्रू ये होता है. सो फर्स्ट है प्लफ. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टीलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. सबसे पहले पुराने टाइम में ये हल यूज़ किया जाता था. इनका काम क्या होता था, ये खेतों में जब इनको चलाते थे तो हम टीलिंग होती थी सॉइल की, मींस के प्लाफिंग की जाती थी, हल से उसको खोदा जाता था, अगर मतलब उसको बराबर किया जाता था लेवल को, और इसमें अगर कोई वीड्स, कोई जानवर वगैरह होते थे उनको रिमूव किया जाता था और सॉइल को प्रॉपर बनाया जाता था. दिस इज़ अ मेड वुड, ये वुड का बना होता था पेयर ऑफ, और इसके आगे बुल्स, जैसे ये हमारी एग्जाम्पल बनी हुई है, ये बना हुआ है कि इसके आगे बुल्स लगे होते थे पहले. सो पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स आर ऑल्सो यूज. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड द प्लफशियर. इसके जैसे ये डली हुए हैं तो ये प्लफशियर होते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज लॉन्ग वुड विच इज कॉल्ड अ प्लफ शेफ्ट. इसमें एक मतलब जैसे जो ये बना हुआ है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में शो करते हैं, ये है प्ले शेफ्ट एंड दिस इज अ प्ले शेयर. ये हमने डायग्राम में शो किया हुआ है हमारा जो हल है, ये प्लफ है, ये इसका प्लफ शेफ्ट है एंड दिस इज अ प्लफ शेयर. सो द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज लॉन्ग वुड प्लफ शेफ्ट. देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेफ्ट. इसके बाद शेफ्ट के साइड पे हमारे पास हैंडल बना होता है. सो द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक. ये बीम है, ये बीम्स डले हुए हैं और इनके नेक के साथ इनको ज्वाइन किया हुआ है. सो वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ. और जिसकी वजह से जो मैन था इसको ईजिली ऑपरेट कर सकता है था पहले, जो पहले टाइम में इनको ज़्यादा यूज़ करते थे पुराने टाइम्स में. द इंडिजीनियस वुडन प्लफ इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लफ नाउअडेज. अब क्या है, इसकी जगह पे लोहे का हल यूज़ होने लग गया. नेक्स्ट इज होए. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज टू रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. ये क्या है, ये भी जो होए होता है इसको भी हम यूज़ करते हैं वीड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए. और इसमें क्या होता है, हमारे पास लॉन्ग रोड होती है, वुड या आयरन की हो सकती है वो. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड. ये लगे हुए हैं जैसे बेंड प्लेट, ग्रिप हैंडल, ये बीम है, रॉड इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और ये भी एनिमल्स के थ्रू पुल किया जाता है. सेकेंड इज़ अ कल्टिवेटर. Nowadays ploughing is done by the tractor driven cultivator. देखा होगा आज के टाइम में ये ट्रैक्टर के थ्रू ही हमारे पास इसको ड्रिवन करके कल्टिवेटर को, इससे क्या है हमारा टाइम भी सेव होता है, लेबर भी सेव होती है, और ये भी हमारे पास लूज करने के लिए ही यूज़ होते हैं सॉइल को. नाउ सेकंड पॉइंट इज सोइंग. सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड. फार्मर प्रेफर यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड. नाउ सेकंड स्टेप इज सोइंग. इसमें क्या, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें क्या होता है कि जो प्लांट, जो फार्मर है वो गुड क्वालिटी के और साफ सुथरे बिल्कुल अच्छे से सीड्स लेके उनको सो करते हैं, और फार्मर है वो अच्छी यील्ड वाले ही सीड्स को यूज करते हैं. सो आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम इनको इनकी पहचान कर सकते हैं. जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हॉलो होते हैं और लाइटर होते हैं. इसलिए इनकी जो एक फार्मर है वो कैसे पहचान करता है, जो हमारे पास हल जो डैमेज सीड्स होंगे वो पानी में, अगर हम उनको छोड़ेंगे तो वो पानी के ऊपर लेवल में आ जाएंगे, क्योंकि वो अंदर से हॉलो होते हैं और लाइटर होते हैं. इसलिए वो वाटर के ऊपर जो
लेवल पे फ्लोट करेंगे, वहाँ पे हम इस चीज़ का ये शो कर सकते, वहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो गुड क्वालिटी के हैं या बैड क्वालिटी के हैं। सो दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स एंड द डैमेज वंस। ओके, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब सीड्स को अगर उगाना है तो उनके लिए जो जो टूल्स यूज होंगे, सो फर्स्ट इज अ ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। जो इसका जो इसकी शेप होती है वो फनल लाइक होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये फनल शेप का बना हुआ है। इसके थ्रू है जो इसके थ्रू जो फार्मर्स हैं वो सीड को ग्रो सोन करते हैं। सो द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल पास्ड डाउन थ्रू टू और थ्री pipes having sharp ends, these ends pass into the soil and place seeds there। तो इनको नीचे रखते हैं, इनके नीचे से वो सीड्स निकलते जाते हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने ग्रो करने वहाँ वहाँ पर इनको प्लेस करते जाते हैं। सेकेंड इज़ अ सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर में जैसे ये पीछे इसको लगा लेते हैं, इनके थ्रू सो किया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट, ये क्या करते हैं इक्वली डिस्टेंस के साथ और डेप्थ के साथ, इसका ये बेनिफिट होता है, ये इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ के थ्रू साथ हर एक सीड को बीजता जाता है जगह में। इट एनश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बींग ईटन बाय बर्ड। सोइंग बाय यूजिंग द सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। इससे क्या होता है कि साथ के साथ जैसे ये चलते जाते हैं, ये प्रॉपर डिस्टेंस के साथ और प्रॉपर डेप्थ के साथ बीज को बीजता जाता है, फिर उनको साथ के साथ कवरिंग भी करता रहता है कि कोई उसको एनिमल वगैरह या कोई बर्ड उसको खा ना ले। सो जिससे इस मेथड के थ्रू हमारा जो लेबर है और वो टाइम दोनों ही सेव होते हैं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट। दिस अलाउज plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil at a time. Few plants may have to be removed to prevent overcrowding. So जो हमारे जब हम plants को उगाते हैं तो उनमें distance है वो होना proper जरूरी है, क्योंकि अगर वो पास पास में उगाएंगे तो उनकी overcrowding हो जाएंगे, एक दूसरे के बीच में आ जाएंगे, जिसकी वजह से एक उनको proper nutrients, water, soil से जो भी उनको nutrients मिलने हैं वो proper नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अगर उनमें crowding हो जाएगी तो उनका वो grow भी proper नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी प्लांट्स बीच में उनके ग्रो कर जाता है तो उसको भी कट किया जाता है कि जो हमारी जो क्रॉप है वो प्रॉपर ग्रो कर सके और उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ओके फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बाकी के मेरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरी ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।